खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से है, जहां पर जिलाधिकारी ने लॉकडाउन के चलते जनपद की जनता से अपने घरों में रहने की अपील किया है। उन्होंने बताया कि जनपद की जनता लॉकडाउन का काफी गंभीरता से पालन भी कर रही है। साथ ही कहा कि हम लोगों ने सभी घरों तक फल सब्जी राशन इत्यादि भेजने का पूरी व्यवस्था भी की है, डॉक्टर द्वारा सलाह भी देने का इंतजाम है, वहीं दवाइयां पहुंचाने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि हमारे यहां की सप्लाई चेन काफी स्ट्रांग है, जिसके कारण सभी जरूरत की चीजें जनपद भर में लोगों के घरों तक आसानी से पहुंच पा रही हैं। उन्होंने बताया कि एक समस्या हमारे यहां उत्तराखंड से एवं अन्य जनपदों से आने वाले लोगों की थी, अब चूंकि केंद्र सरकार द्वारा इसका स्पष्ट निर्णय कर दिया गया है, राज्य एवं जिलों की सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई हैं, उसके पश्चात अब ये समस्या भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 2000 फूड पैकेट का वितरण कराया जा रहा है, सभी बाहर से आए लोगों पर सतर्कता से नजर बनी हुई है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि लगभग 6 दिन पूरे हो चुके हैं और धीरे धीरे हमारा ये मुश्किल वक्त पूरा हो जाएगा। अपने एवं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस लॉकडाउन का पालन करें। इस मौके पर जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने कहा कि जिस प्रकार से मीडिया के लोग सहायता कर रहे हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। ये रेल न्यूज़ के लिए बिजनौर से तारिक शेख की रिपोर्ट। जनता का कि यहाँ के लोग लॉकडाउन को बहुत गंभीरता से उसका पालन कर रहे हैं। कुछ स्थानों से सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि कुछ लड़के नई उम्र के लोग, उन पर सख्ती करने की भी जरूरत होती है, तो वैसा किया जा रहा है। हम लोगों ने सभी घरों तक दरवाजे दरवाजे फल सब्जी राशन इत्यादि भेजने का और दवाई की दुकानों से ऑन कॉल सलाह भी देने का डॉक्टरों के द्वारा और उसके बाद दवाइयां पहुंचाने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। चूँकि सप्लाई चेन हमारे यहाँ की बहुत स्ट्रांग है और चीज़ें लोगों के घरों तक पहुँच रही हैं, इसलिए लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। एक समस्या हमारे यहाँ उत्तराखंड से आने वाले लोगों की और दूसरे जनपदों से आने वाले लोगों की थी, और अब चूंकि केंद्र सरकार द्वारा इसका स्पष्ट निर्णय कर दिया गया है कि राज्य की और जिले की सीमाएं सील हो गई हैं, तो अब वो समस्या भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बहरहाल जितने भी लोग बिजनौर जनपद में हैं, सबके लिए अगर उन्हें आश्रय स्थल की आवश्यकता है तो उसकी व्यवस्था की गई है। हम लोग अभी तकरीबन 2000 फूड पैकेट्स प्रतिदिन उसका वितरण करा रहे हैं। ये भी है कि किसी मजदूर को जो पहले से किसी जगह पर काम कर रहा है तो उसको किसी तरह से निकाला ना जाए, और जो कैंपस बंद कैंपस फैक्ट्रीज हैं तो उनमें उनको रहने की अनुमति दी जाए, और अगर वो काम करना चाहते हैं और फैक्ट्री को आवश्यकता है तो हिसाब से उनका काम भी लिया जा सकता है, वो संचालन भी किया जा सकता है। चूंकि शुगर मिल्स हमारे यहाँ चल रही हैं, क्रशर्स भी चल रहे हैं और कोलू भी चल रहे हैं, और किसान चूंकि खेती के काम में बहुत एक दूसरे से नज़दीकी, सोशल डिस्टेंसिंग आमतौर पर अपने स्वाभाविक रूप से ही बनी रहती है, इसलिए लोग ये गन्ने के काम में लगे हुए हैं। और गाँव में भी इसके अतिरिक्त जो हमारा लॉकडाउन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मेनटेन है। अभी सौभाग्य से जनपद बिजनौर में कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं आया है, लेकिन हम काफ़ी सतर्क हैं क्योंकि कुछ लोग एनसीआर साइट से करीब 2,500 लोग पिछले 1-2 दिनों में आए हैं, और उनको गांव में हम लोगों ने क्वारंटाइन या शहर में क्वारंटाइन अपने घरों में करके रखा हुआ है, एंड वी आर ऑब्जर्विंग। हम लोग सतर्कता से उनको देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई निकट भविष्य में भी कोई कोरोना पेशेंट पॉजिटिव नहीं आएगा। किराया, जो किराए पर लोग रह रहे हैं उनके बारे में जैसा कि शासन के निर्देश हैं, मकान मालिकों से यही अपेक्षा है कि वो इस महीने का किराया न लें, और कोई विद्युत कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, विद्युत कनेक्शन सतत चलता रहेगा, बिजली की सप्लाई भी रहेगी। मेरा अनुरोध जनता से ये है कि देखिए, आज 6 दिन के आसपास पूरा हो रहा है और धीरे धीरे ये हमारा मुश्किल वक्त पूरा हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी का बहुत ही सस्ता और बहुत ही सीधा सा इलाज है कि हम लोग अपने घर में रहें, और हम लोगों ने कुछ दिन बर्दाश्त किया है, थोड़े दिन और है, इसको अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इसका सख्ती से पालन करें। मैं मीडिया के लोगों का भी बहुत आभारी हूँ, और जो लोग हमारी सहायता कर रहे हैं इस काम में, अपने घर बैठकर ही जो सहायता कर रहे हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ कि हमारे लॉकडाउन में उनकी मदद मुझे प्राप्त हो रही है।